राजा अकबर ने परीक्षा ली थी। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है, राजा अकबर ने इन ज्योतियों के ऊपर मोटे मोटे लोहे के तोहे जड़वा दिए, वो भी भस्म हो गए। कुछ दिनों के बाद राख हो गई। फिर भी राजा अकबर का मन नहीं माना। राजा अकबर सोचने लगे, ये अग्नि है, अग्नि लोहे को भस्म कर सकती है, मामूली बात है, मैं इन ज्योतियों को पानी से बुझा सकता हूँ, अग्नि और पानी का कोई संबंध नहीं। राजा अकबर ने इन ज्योतियों को बुझाने के लिए यहाँ से तेजदा मंदिर पहाड़ी में जाकर के 2 किलोमीटर पर, वहाँ पर कुदरती पानी निकलता है, उस पानी को एक छोटी सी नहर बनाकर नीचे ज्योति कुंड तक लेके आए थे और ज्योति कुंड में लगातार पानी से, जब ज्योति कुंड पानी से भर गया तो ज्वाला माता ने हजारों ज्योतियों राजा अकबर ने इन ज्योतियों को देवी रूप मान लिया। राजा अकबर का अहंकार चूर हुआ। राजा अकबर ने माता से मन्नत मांगी तो मन्नत पूरा होने पर राजा अकबर नंगे पांव यहां आए और माता के लिए 125 सोने का छत्र भेंट लेके आए। लेकिन उस भेंट को चढ़ाते समय राजा अकबर के मन में घमंड आ गया, अभिमान आ गया कि मैं मुसलमान होके हिंदू धर्म में इतनी बड़ी भेंट चढ़ा रहा हूँ, 125 सोना चढ़ा रहा हूँ, आज तक इतनी बड़ी भेंट ना किसी ने चढ़ाई है, ना कोई चढ़ा पाएगा। जब राजा अकबर के मन में ऐसा घमंड आ गया, याचना प्रदान करना और भक्तों को रोग दोष कहतर को दिया, किसी एक धारणा पर नहीं छोड़ा। आज भी ज्वाला ज्योतियाँ भक्तों दूध पानी गति में दर्शन देती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन देती है माता। माँ से प्रार्थना करना, सभी माता का ध्यान लगाना, आप सभी दर्शन करेंगे, ये ज्योत आएगी माता की लोटे के अंदर, जल के अंदर। बोलिए ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता, तुम्हारी सदा जय, सब दे भंडार भरने वाली माता, तुम्हारी सदा जय। बोलिए ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, सब दे मनोकामना पूरी करने वाली माता, तेरी सदा जय। ये माता का चरणामृत है, इस चरणामृत को पीने से रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। पीछे रखिए, पीछे रखिए, बैठे रहिए, सभी पीछे हटकर बैठे रहिए।